हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्पीडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राहुल और मैं आज बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 की वैकेंसी के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा आपको आप लोगों को पता है कि इसकी यूपी 1477 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो 1477 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जेई की। तो आज हम इसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और दोस्तों आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर है। ठीक है, इसका एग्जाम रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 30 नवंबर तक, तो इसका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, अभी करेक्शन के लिए 1 वीक है, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एग्जाम रजिस्ट्रेशन करने की, सबमिट करने की लास्ट डेट 30 नवंबर थी, जो कि बीत चुकी है। दोस्तों, ये लगभग ये मान के चलिए आपका 2 से 3 मंथ में इसका एग्जाम होगा। जैसे कि 2009 में चुनाव होने वाला है। ठीक है, मे भी जहां तक चांसेस है, और हम स्पीडर की टीम ने जहां तक पता किया है, उससे पहले यूपीडब्ल्यूएससी जेई का एग्जाम भी हो जाएगा। और इसमें सिर्फ रिटन टेस्ट है। ठीक है, इसका कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट से ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जहां तक उम्मीद है कि चुनाव से पहले एग्जाम भी हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो और दोस्तों, ये जो हमारी पोस्ट यूपीडब्ल्यूएससी जेई की, आप हमारी स्पीड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे हम लोग एक एक सब्जेक्ट की, जितने भी नॉन टेक और टेक्निकल का पोर्शन है, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट की पूरा 0 से लेके एकदम हाई लेवल तक, मतलब की A to Z सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक इंडिविजुअल टीचर है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और लेक्चर पढ़ाए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर के कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपका सजेशन हो आप प्लीज कमेंट करके हमको बता दो। ठीक है, और कुछ चाहिए? ठीक है, तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यूपीडब्ल्यूएससी जेई का। हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यूपीडब्ल्यूएससी जेई 2018 का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया था, सॉरी 1 नवंबर को स्टार्ट हो गया था, और इसका लास्ट डेट था 30 नवंबर। ठीक है, अभी 7 दिन आपके पास हैं, आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, 1 वीक 7 दिसंबर तक करेक्शन करने की डेट है, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी और समथिंग, कुछ कुछ चीजें हैं उस पर अलग वीडियो बना देंगे कि क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट कितनी, सबसे पहले बात हमने कर ली, पोस्ट थी आपकी 1477 पोस्ट थी। ठीक है, तो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों इसमें आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू पिछले बार तो होता था, लेकिन मोदी ने अभी जो घोषणा किया था कि जो भी पोस्ट है, जो सी ग्रेड डी ग्रेड की पोस्टेस है, ठीक है, उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका रिटन है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक अवसर है कि आप सिर्फ रिटर्न में अच्छा नंबर लाके सीधे आप पोस्टिंग पा सकती हो। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1। ठीक है, ये रहा आपका पेपर 1 और ये रहा आपका पेपर 2। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। ठीक है, पहला पेपर होगा आपका 2.5 घंटे का। ठीक है, यहाँ लिखा होगा 2.5 घंटे का, और दूसरा पेपर होगा आपका 2 घंटे का। ठीक है, पहला पेपर जो होगा वो होगा आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन। पेपर 1 किसका होगा? नॉन टेक्निकल होगा। क्या होगा ये? नॉन टेक्निकल। ठीक है, और पेपर 2 क्या होगा? टेक्निकल। ठीक है, तो पेपर 1 हमारा होगा नॉन टेक्निकल, और पेपर 1 में भी 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे पेपर में? पेपर 1 में आपके टोटल 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 वो आपका होगा जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, और पार्ट 2 आपका होगा जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट, इसमें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड दोनों आ जाएगा, मतलब रीजनिंग और मैथ आ जाएगी। ठीक है, ये 3 चीज आते हैं आपके पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आएगा जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेपर 1 के दोनों पार्ट के बारे में, पार्ट 1 में, ठीक है, जनरल हिंदी और इंग्लिश के टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के, ये हो गया आपका पार्ट 1। और पार्ट 2 जो हमारा होगा जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट, मतलब रीजनिंग और मैथ, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज, ये टोटल आएंगे आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मार्क्स होंगे इसके 300 मार्क्स, मतलब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश के, इसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और टोटल 75 मार्क्स हो गए। और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जो 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और टोटल 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब पेपर 1 का जो कंपोजिट टाइम है, ये जो टाइम दिया हुआ है ना, ये जो टाइम दिया हुआ है 2.5 घंटे, ये पेपर 1 का कंपोजिट टाइम है, मतलब कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये दोनों का मिला के कंपोजिट टाइम दिया हुआ है 2.5 घंटे। ठीक है, आप अलग अलग मत मानिएगा, ये चीज आप बहुत क्लियर ध्यान कर लीजिए कि पेपर 1 का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है,
इन दोनों को मिला के आपका 2.5 घंटे का होगा। जो पार्ट वन मैंने जैसा बताया कि जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का होगा, और पार्ट टू हमारा होगा जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट, मतलब रीजनिंग और मैथ, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, ये रही आपकी पेपर वन की बात, जो होगा आपका नॉन टेक्निकल। अब आते हैं हम लोग पेपर टू के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, अगर हम पेपर टू की बात करें तो पेपर टू हमारा जो होगा वो टेक्निकल होगा, जैसे कि किसी बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर का होगा, कोई सिविल इंजीनियर, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, जो भी चीज इसका जिसमें डिप्लोमा हमने किया होगा, ठीक है, आप उसका एग्जाम देंगे। ये पेपर सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, ये जो होगा पेपर वन, ये सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन पेपर टू क्या होगा, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, पेपर वन अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल किया, सिविल में किया, इलेक्ट्रिकल में किया या अदर ब्रांचेस की है, तो सबका पेपर अलग अलग होगा। ठीक है, पेपर वन सिर्फ कॉमन होगा और पेपर टू सबका अलग अलग होगा। पेपर टू की अगर बात कर लें तो इसमें आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इसके अदर जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, सारे ब्रांच का पेपर अपना अपना अलग अलग होगा। ठीक है, इसके टोटल 125 मार्क्स आएंगे। टोटल कितने मार्क्स आएंगे, 125 मार्क्स आएंगे, सॉरी 125 क्वेश्चन आएंगे 375 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। 125 क्वेश्चन आएंगे 375 मार्क्स का, और टोटल टाइम कितना होगा, 2 घंटे। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि पहला जो पेपर था वो था 2.5 घंटे का। ठीक है, पहला पेपर कितने घंटे का था, 2.5 घंटे का था। दूसरा पेपर जो था वो था आपका 2 घंटे का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब पेपर पहला जो था ये कंपोजिट टाइम है 2.5 घंटे का। टोटल पहले, अगर पहले पेपर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 175 है। ठीक है, और नंबर कितने हैं, 375। ठीक है, ये रहा 375 क्वेश्चन। ठीक है, अब पेपर टू की बात करें तो 125 क्वेश्चन हैं और 375 मार्क्स के हैं। थोड़ा जो ये पेपर जो पेपर टू होगा इंजीनियरिंग वाला होगा थोड़ा टफ होगा। ठीक है, तो आपका इसमें पेपर वन हो गया, ये पेपर टू हो गया, ये दोनों चीज मैंने डिस्कस कर ली। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो पेपर वन होगा वो नॉन टेक्निकल होगा, पेपर टू होगा वो टेक्निकल होगा। ठीक है, और पेपर वन में पार्ट वन पार्ट टू होते हैं जिसका कंपोजिट टाइम 2.5 घंटे है, और पेपर टू में का आपका पेपर टू अकेला पेपर होगा, उसमें आपका 2 घंटे पेपर होगा, और अपने अपने ब्रांच का अपना अपना होगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल की। तो टोटल अगर बात करें तो इसमें आपका पेपर वन हो गया आपका 375 मार्क्स का। ठीक है, और पेपर टू हो गया 375 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स हो गए आपके 750 नंबर के। ठीक है, 750 का आपका टोटल मार्क्स हो गया, जिसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, बार फिर से मैं बता दूं, इसमें इंटरव्यू नहीं है, सीधे आपके रिटन टेस्ट से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, आपके अंदर जितना भी दम हो, टाइम बहुत कम है, ठीक है, वक्त बहुत कम है, जितना भी दम हो लगा दो। ठीक है, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने जितना भी टाइम वेस्ट किया होगा, आप जिस तैयारी वारी कर रहे होंगे, स्लो धीरे आप जैसे जैसे तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, चलिए अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी लाइन आपको बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते, जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते, तो बेहतर है आज ठीक कर लो और अपने पास्ट को एज एक्सपीरियंस ले लो। ठीक है दोस्तों, तो अभी से आप शुरू कर दो। ठीक है, अभी से आप शुरू कर दो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, आप स्पीड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी इसमें है आपका। अगर मैं पेपर की बात करूं, पेपर वन, पेपर टू, आपका पूरा A to Z, मतलब बेसिक लेवल से लेके जिस पेपर के लेवल तक होगा, हम लोग पूरा A to Z सारी क्लास लगाएंगे, जनरल हिंदी की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, मैथ की, जीके की, कंप्यूटर नॉलेज की, मैकेनिकल की, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, जो अदर ब्रांचेज होंगी उनकी भी, मतलब सबकी हम लोग क्लास लगाएंगे, एक एक इंडिविजुअल टीचर है। ठीक है, आप इस पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्पीड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर का दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन हिट कर लो। ठीक है, और एक चीज आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले काम करना है कि इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करने के बाद अपने जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, सबके साथ शेयर करो। जितने भी आपके दोस्त डिप्लोमा होल्डर हैं, जो ये एग्जाम को टारगेट किए हुए हैं या आपके लिए बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है, सबको आप शेयर करो। ठीक है, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। हम लोगों ने सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल टीचर रखा हुआ है, तो आपका काम बनता है कि आप सबको शेयर करो जितना अधिक से अधिक हो सकता है। जितना अधिक से अधिक हमारे पास लाइक्स आएंगे, व्यू आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, तो उतना अधिक से अधिक हम लोग उत्साहित होंगे और हर चीज का उतना अच्छे से वीडियो बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम बात कर लें कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो भी जितने सब्जेक्ट है उससे कौन कौन से टीचर हम लोग अलॉट किए हुए हैं, तो उस बारे में मैं 2 मिनट में आपको डिस्कस कर लेता हूं। तो दोस्तों, मैं अगर नॉन-टेक पोर्शन की बात करूं, तो नॉन-टेक पोर्शन में जो पेपर वन का पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है, उसके बारे में अगर देखें तो जनरल हिंदी का, ठीक है, जो जनरल हिंदी है वो आपको पढ़ाएंगे कैलाश सर। ठीक है, जनरल हिंदी आपको पढ़ाएंगे कैलाश सर। ठीक है, और इंग्लिश का जो है, इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको रिपुन सर।
ठीक है, इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको पढ़ाएंगे रिपुन सर और सरवा सर। ठीक है, अगर पार्ट टू की बात करें, ठीक है, पार्ट टू में जो आपका जनरल मतलब कि जो रीजनिंग पोर्शन है और मैथ पोर्शन है, जो आपका रीजनिंग पोर्शन है वो आपको पढ़ाएंगे रजत सर। ठीक है, जो आपका मैथ सेक्शन है वो मैं पढ़ाऊंगा राहुल सर। ठीक है, और जीके की बात करें, जीके ये जो जीके वाला पोर्शन है, जीके वाला पोर्शन आपको पढ़ाएंगे अभिषेक सर। ठीक है, जीके का आपका जो भी लेक्चर होगा आप अभिषेक सर लेंगे। ठीक है, उसमें पूरा आपका स्टैटिक जीके और क्या बोलते हैं करंट अफेयर, इसके अलावा जो यूपी का स्पेशल जीके है इसमें यूपी का स्पेशल जीके थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो सारी चीज को कवर कराया जाएगा। ठीक है, वो कराएंगे आपके अभिषेक सर। अगर कंप्यूटर नॉलेज की बात करें, कंप्यूटर नॉलेज आपको पढ़ाएंगे अनमोल सर। ठीक है, कंप्यूटर जितना भी है वो आपको अनमोल सर आपका कवर करा देंगे, एक भी आपके क्वेश्चन नहीं फंसे, दिक्कत होगी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया कंप्यूटर नॉलेज आपको पढ़ाएंगे अनमोल सर। तो ये हो गया आपका पूरा नॉनटेक पोर्शन का। ठीक है, हिंदी के टीचर भी, इंग्लिश के टीचर भी, और मैथ के टीचर भी, और रीजनिंग के टीचर भी हो गए, और जीके के टीचर भी हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर के भी टीचर हैं। ठीक है, तो सारे ये हो गया हमारा नॉनटेक का पोर्शन। अब हम बात करते हैं टेक्निकल वाला जो पेपर टू है, पेपर टू का जो था मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, मैकेनिकल के लिए हमारे पास जो नीरज सर है, ठीक है, इसके अलावा रामजी सर है, और इसके अलावा अखिलेश सर है। ठीक है, अगर सिविल की बात करें तो आशीष सर है, और इलेक्ट्रिकल की बात तो संजय के हर ब्रांच के लिए एक एक इंडिविजुअल टीचर है। किसी किसी सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 2-3 फैकल्टी है। ठीक है, तो हम लोग का जो पूरा स्पीड टीम है आपको UP SSC JEE की पूरे अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और आप बिलीव रखिए हम पे, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे जो भी लेक्चर आते हैं लेक्चर वाइज, जो भी लेक्चर 1, 2, 3 आप एक एक चैनल को बार बार देखिए। ठीक है, आप नोट्स बनाइए। ठीक है, इसके अलावा लेक्चर की जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन भी देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको पूरा जितना भी लेक्चर है ना A to Z सब मिलेगा। इसके अलावा आपको PDF मिल जाएंगे, जीके के कुछ PDF मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और जो भी रहेगा। और कोई भी दिक्कत हो आप 24/7 कभी भी आप कॉल कर सकते हो। नीचे बॉक्स में आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है। आपको जो प्रॉब्लम हो आप उससे मैसेज कर दो, या तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पूरा पैकेज आपको, और ये सब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी किसी चीज का चार्ज नहीं लगेगा। और लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो आप बस स्पीड ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो, और सारे दोस्तों को शेयर कर दो। आप इसकी तैयारी पूरी जुनून के साथ लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से बोल दूं, वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।